ये जो जात के नाम पे धर्म के नाम पे वोट देते हैं इनके से बच के रहो विकास के नाम पे वोट दो अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों का 98 एट परसेंट रजेंडा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एस्ट्रोट्रफ ग्राउंड है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है पहले हॉस्पिटल की कंडीशन ये होती थी सरकारी हॉस्पिटल की दैट वॉज फील लाइक वॉमिटिंग इतनी गंद रहता था इतनी स्मेल रहती थी कंडीशन हॉस्पिटल ऐसे चौबीस घंटे प्रशिक्षित डॉक्टर निशुल्क निःशुल्क नमस्कार आदाब सत श्रीकाल मैं नरेश कौशल दैनिक अर्थ प्रकाश मीडिया ग्रुप की ओर से आज आपके साथ रूबरू करा रहा हूँ आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी शख्सियत को मेरी मुराद है राज्यसभा के मेंबर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आम आदमी पार्टी के मेंबर और चीफ विप राज्यसभा में यानी कि मिस्टर सुशील गुप्ता सबसे पहले गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपने हमारे एक छोटी सी आवाज पे नवाजा है पहुँचे हैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद तो आ, सुशील जी पहले हम अपनी बात की जो शुरुआत करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उसने अपने बड़े पाँव जो हैं दिल्ली में अपनी दूसरी टर्म या तो तीसरी टर्म ही कही है वैसे तो तीसरी तो लेकिन पहली टर्म को तो हम दूसरी तरह से नहीं ले सकते सत्ता में सत्तासीन होकर जिस तरह से कामयाब हो आपकी कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपने अच्छे पैर जो हैं जमाए हैं लेकिन जो आ, एक अरविंद केजरीवाल का के सपना था या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि देश की जनता को जो बहुत जो है परेशान है कि विकल्प की तलाश में है तो जनता को एक विकल्प दिखने लगा था केजरीवाल के रूप में उन्होंने कोशिश की पंजाब में हरियाणा में इवन यहाँ तक कि वो बनारस में पहुँच गए प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना मोर्चा लगाने के लिए लेकिन जो आशाएँ लोगों को थी कि आपकी पार्टी का जगह जगह उस तरह का प्रचार होगा जैसे दिल्ली में आपने किया है वो बात जो है जमती नज़र नहीं आ रही तो ऐसे अब क्या कोई ऐसे उपाय किए जा रहे जैसे हरियाणा है हरियाणा आपका मेन गढ़ है यू बिलोंग टू हरियाणा अरविंद केजरीवाल बिलोंग टू हरियाणा तो इवन इसके बावजूद आपका हरियाणा में भी वो बात नहीं बन पाई हालांकि पंजाब जहाँ पर आपके उतने मूल रूप में आपके जो मेंबरशिप वहाँ की नहीं थी जो आपकी मेन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फिर भी पंजाब में आपने बेहतर प्रदर्शन किया पिछले चुनाव में जो पहले अब आया था विधानसभा को उससे पिछला तो ऐसे जो हालात है पार्टी के आपका क्या कहना है क्या आपकी रणनीति है आगे के लिए देश के लोगों की जो समस्याएं हैं लोगों की जो आशाएं हैं तो आम आदमी पार्टी उन आशाओं को अरविंद केजरीवाल और आप जैसे सुशील गुप्ता जी ने, नेतृत्व है वो कैसे उनको पूरा करें देखिए इस देश की आजादी को चौहत्तर साल हो गए पहला इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री आया है जी। जिसने दिल्ली के अंदर ये सिद्ध कर दिया देश के लोगों की दिशा दे दी कि ईमानदार सरकार हो तो सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं इस देश के अंदर धारणा बन गई थी कि सरकारी स्कूल का अंदर खराब स्कूल वहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे बच्चों को अटेंड नहीं किया जाता अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों का 98 परसेंट रिजल्ट आया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एस्ट्रोट्रफ ग्राउंड है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंट्रक्टिव बोर्ड है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग कराई गई okay. दिल्ली के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को आई आई एम जैसे इंस्टीट्यूशन से प्रबंध ट्रेनिंग गई दिया कैसे स्कूलों का प्रबंध करते हैं पीटीएम सरकारी स्कूलों में स्टार्ट हुई और सरप्राइजिंगली अच्छे अच्छे लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने लगे और 98 रिजल्ट दिल्ली के अंदर पहली बार हैप्पीनेस करिकुलम लागू किया गया देश के किसी भी स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर और यहां तक कि अमेरिका की प्रथम लेडी अमरीका जब ट्रम्प साहब के साथ यहाँ पे आई तो उन्होंने उनको देखना पसंद किया कि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखना चाहती हूँ क्या करिश्मा केजरीवाल जी ने कर दिया इसी प्रकार मैं हॉस्पिटल की बात करता हूँ एक धारणा बदली कि ईमानदार सरकार हो तो सरकारी हॉस्पिटल बेहतर हो सकते हैं पहले हॉस्पिटल की कंडीशन ये होती थी सरकारी हॉस्पिटल की के दैट वाज फील लाइक वोमिटिंग इतनी गंद रहता था इतनी स्मेल रहती थी अब एयर कंडीशन हॉस्पिटल ऐसे बनाए हैं चौबीस घंटे प्रशिक्षित डॉक्टर आधुनिक मशीनें निशुल्क दवाइयाँ और सारी दुनिया के लोग अब दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल की तारीफ करते हैं यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल वून बोन आए तो वो दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों को विजिट करने गए दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक जो बीस पच्चीस लाख रुपए में मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं जो पहले बीस करोड़ रुपए के अंदर एक डिस्पेंसरी बनाती थी सरकार और वो बंद पड़ी रहती थी अब मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डेढ़ सौ से ऊपर किस्म की दवाई दो सौ से ऊपर किस्म के टेस्ट मुफ्त हैं और बड़े खूबसूरती की बात है कि दिल्ली में सारी सुविधाएं बिना गरीबी और अमीरी के आधार पे अच्छे से अच्छे अमीर आदमी मोहला क्लिनिक के लाइन पे लगते हैं हर मोहल्ले के अंदर जब मोहल्ला क्लिनिक खुला तो इसका बेनिफिट भी हुआ जी, कि रात को शाम को दिन में सुबह जिस समय भी बुजुर्ग महिला कोई खाली हुआ वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया अपना शुगर चेक कराया अपना हीमोग्लोबिन चेक कराया जी, जी, अपने एक्सरे करा लिए इसको उस लाभ क्या हुआ कि बड़ी बीमारी आने से पहले ही चेकिंग होगी निःशुल्क चेकिंग होगी मिल मिलगी तो बड़े हॉस्पिटलों पर रश नहीं पड़ा जी, जी, सरकार का खर्चा भी बचा और मनुष्य का जीवन भी सुधरा जी, जी, तो ये एक धारणा बनी है जी, ऐसे ही आउट ऑफ बॉक्स काम करते हैं अरविंद केजरीवाल जी।, जी, जी पहली ऐसी सरकार है जिसने कहा कि डॉक्यूमेंट हम आपके घर पे भेजेंगे डेढ़ सौ किस्म के डॉक्यूमेंट आप कंप्यूटर पे अप्लाई करो हरियाणा में पंजाब में चक्कर मारता मरता आदमी मर जाता है बिना पैसे दिए सरकार का अधिकारी कागज नहीं देता बिल्कुल ठीक वहाँ पे आप वन जीरो सेवन सिक्स डायल करो बोलो जी मेरे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए मुझे इनकम सर्टिफिकेट चाहिए अधिकारी आपको कहेगा ये तीन डॉक्यूमेंट चाहिए बताए साहब कितने बजे लेने के लिए आऊँ जी वो अपना लैपटॉप लेके आपके पास घर पे आएगा जी जी और वो आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा और कहेगा एक हफ्ते बाद मिलेंगे जी जी आप ये कह सकते हो उस दिन संडे मैं नहीं मिलूंगा मंडे को आना बिल्कुल अधिकारी मंडे को आएगा ठीक है गुप्ता जी जो गुप्ता जी जैसे बोल रहे हैं एक होता है स्टॉप लगाना नो नॉन स्टॉप और जो ये बोल रहे हैं ये पता लगता है किस कितना इनके मुंह से जिस तरह से विस्फोटक तरीके से जो विकास के कार्य हैं दिल्ली में जो हुए हैं इतने ज़्यादा कार्य जो हुए हैं यही कारण है कि ये रुक नहीं पा रहे इतने उत्साह से ये बता रहे हैं तो इसके लिए तो बहुत बहुत आ, आपका जो है हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं आप आए हैं यहाँ पर लेकिन गुप्ता जी एक बात तो कहनी पड़ेगी आप चाहे देखिए पर्सनल थोड़ा सा क्वेश्चन है कि के आप केजरीवाल जी को कहते हो कि बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है परंतु जो जो डेवलपमेंट हुई राज्यसभा के मेंबर बनाने के वक्त उस वक्त क्या था कि आशुतोष बैठे थे खेतान थे और तो प्रशांत भूषण चलो पहले निकल गए योगेंद्र यादव भी निकल गए थे कुमार विश्वास थे, थे ये सब लोगों को जब इग्नोर किया गया या कथित रूप में मैं तो कहूँगा क्योंकि हमने जो देखा जो सुना और आपके बारे में ये कहा गया कि जी वो बहुत दिग्गज नॉट ओनली एक आपका सामाजिक कार्य की वजह से नहीं मैं सिर्फ कह रहा वैसे भी संपन्न है राजनीति में बहुत से लोग तो आते हैं पैसा कमाने के लिए लेकिन मैं गुप्ता जी के बारे में एक ये जानकारी भी दे दूँ ये पैसा लेकर राजनीति में पहले से आए हैं यानी कि कहने का पहले से संपन्न है ये इस मामले में तो ऐसे सुशील गुप्ता जी को क्यों आ, उन्होंने तरजीह दी बावजूद उन लोगों के जो बड़ी देर से अन्ना हजारे के टाइम से मैं उनके तो साथ काम कर रहे हैं दो बात बताता हूँ जी 2013 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी मेरे पास आए थे जी मुझे विधायक बनाने के लिए 2015 में भी उन्होंने कहा दो हजार पंद्रह में मैंने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सा काम किया शिवचरण गोयल जी मेरे पार्टनर होते थे उनको टिकट दिलवाई उनको जितवाया मैं अपने स्कूल चलाता हूँ अपने हॉस्पिटल चलाता हूँ समाज के जी उन सारे कार्यो में मैं अरविंद जी को बुलाता था चार सौ बेडेड दो से पहले से की? हाँ दो से पहले से पहले से 2010 से भी पहले से 2010 में मैंने उनको पर एक किताब लिखी थी पर 2010 में वो दिल्ली में एक्टिव नहीं थे ज्यादा उनको उनकी अपनी वो नहीं नहीं उनके एनजीओ थे एनजीओ उनकी कंपनी थी एनजीओ थी।, थी, थी उनको पुरस्कार मिला था वो पता है वो तो मैं मैंने उनके ऊपर लिखा था सक्सेस स्टोरी जी कि ये कमिश्नर किस तरीके से इस्तीफा देके गली गली घूम के लोगों की सेवा कर रहा है हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी से चपरासी को से कोई इस्तीफा नहीं देता उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर से इस्तीफा देके जब मुख्यमंत्री बनने की या विधायक बनने की आसपास भी बात नहीं थी तब उन्होंने इस्तीफा दिया गली गली जाके संघर्ष किया लोगों की सेवा की हेल्थ और एजुकेशन में उनका बहुत इंटरेस्ट था बिजली सस्ती मिले पानी सस्ता मिले इसके लिए उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया झुग्गी बस्तियों में जाके कनेक्शन खुद काटे खुद अपने हाथ से चीजें करी तो मैं भी हेल्थ और एजुकेशन में इंटरेस्ट रखता था हमने पंजाबी बाग के अंदर हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट है मैं उसका अध्यक्ष रहा 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 महामंत्री वरिष्ठ मेंबर कंट्रोल बोर्ड लगभग साल मैंने उस ट्रस्ट के माध्यम से सेवा की चार सौ बेडेड हॉस्पिटल मैंने एन ए बी एच एग्रीडेटेड कराया जीसीआई इंटरनेशनल एग्रिडेशन कराई साठ करोड़ रुपए साल की उसमें चैरिटी हम करते थे ओके। द्वारका में सौ बेड का हॉस्पिटल बनाया ओ, उसके अंदर चैरिटी करते थे ओ, हमने बहादुरगढ़ के अंदर ओ, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी 700 करोड़ रुपये चंदा इकट्ठा करके बनाने शुरू की उसमें मैंने नर्सिंग कॉलेज पैरामेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज की स्थापना रखी उसमें सारी पार्टियों को बुलाया मैंने व्यक्तिगत बात नहीं रखी आ, मैं ये बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का भी हेल्थ और एजुकेशन पर बहुत स्पेसिफिक वो था कि हमें सुधारनी ही सुधारनी है लोगों को बढ़िया एजुकेशन देनी ही देनी है और मैं भी इस काम पे लगभग दो दशकों से लगा हुआ था okay. और मेरे उन कामों को उन्होंने देखा था Jeez. और जितने फिर पत्रकार मेरे समय पे जब मैं बना हंगामा मचाया जी. उन सब ने भी जाके देखा एंड दे अप्रिशिएटेड तो आ, आ, दूसरी बात यह है जब पार्टी बड़ी होती है परिवार बड़ा होता है तो लोग तो जुड़ते ही है तो जुड़ते हैं लोग तो जुड़ते हैं पर लीडर तो टूटे ना जो मैंने नाम लिए सुनिए जिन्होंने इतना लंबा आपको दो बात बता दो पार्टी सत्ता के लिए आई नहीं आम आदमी पार्टी कभी ये कहती नहीं कि पद के लिए काम करो आज हरियाणा में चुनाव चार साल बाद है जी चुनाव को लेके तो हमारे हर गांव के अंदर आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन जांच के अंदर नहीं बोल रहे वो बात हम बाद में करते हैं पहले हम थोड़ा सा इसी टॉपिक पर रहते एक बड़ी लंबी फहरिस्त है सुशील गुप्ता के पास ना केवल अपने कार्य किए हुए जो है आम आदमी पार्टी के तो हैं ही हैं इनका संघर्ष जो है वो समाज के लिए सेवा के लिए वो बहुत पहले से जब आम आदमी पार्टी अभी अस्तित्व में भी नहीं आई थी तब से जब एनजीओ चलाते थे अरविंद केजरीवाल तब से इनका संबंध उनसे है तो यही वजह है कि उन्होंने इनके कार्यकलाप को देखकर इनके सेवा इनके समर्पण को देखकर उन्होंने राज्यसभा के लिए चुना है तो एक लंबी फहरिस्त है सेवा की लेकिन सुशील जी एक बात तो मैं बहुत आपसे पूछना चाहूँगा आपको अच्छी लगे या नहीं लगे एक पत्रकार के नाते आज देश के अंदर स्थिति ये है कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं लगभग सभी पार्ट और दूसरे शब्दों में कहें कि राज्यों के अंदर भिन्न भिन्न प्रदेशों के अंदर अपनी अपनी छाबड़ियाँ लगी हुई हैं अपनी अपनी फड़ियाँ लगी हुई हैं किसकी परिवारों की भले ही वो तमिलनाडु हो भले ही वो आंध्र प्रदेश हो भले ही वो पंजाब हो इवन यहाँ तक कि हरियाणा में भी चाहे बड़ी पार्टियाँ कुछ हैं लेकिन उनके जो बड़े नेता हैं वो अपने ही परिवारों का पालन पोषण आगे करना चाहते हैं उसको मद्देनजर अरविंद केजरीवाल से जैसे मैंने बोला पहले बड़ी आशाएं थी लोगों को कि एक बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है लेकिन पार्टी के अंदर अधिनायकवाद उसी तरह से नजर आता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल ही हाईकमान है जैसे सोनिया गांधी या कभी इंदिरा गांधी रही है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है आपका क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है जी परिवारवाद से हिंदुस्तान की एक भी पार्टी नहीं निकली इकलौती आम आदमी पार्टी ऐसी है जो एक परिवार में दो पद देती ही नहीं कोई हो आप सरकारों के बात छोड़ दो हम तो संगठन में नहीं देते हरियाणा में एक परिवार से दो संगठन में पदाधिकारी नहीं है दिल्ली में नहीं है पंजाब में नहीं है गुजरात में नहीं है महाराष्ट्र में कहीं नहीं है हम ये आम आदमी पार्टी की ही खूबसूरती है बाकी सब पार्टियों में परिवारवाद चलता है एक एमपी है तो उसका बेटा भी एमपी है उसकी पत्नी भी एमपी है विधायक है तो वो खुद भी विधायक है घर में भी मंत्री है आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है दूसरी बात आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी खुद कम से कम चौबीस घंटे में से अठारह घंटे मेहनत करता है जनता से जुड़े रहते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ लाते ऐसे व्यक्ति के रिस्पेक्ट करना तो स्वभाव ही है परंतु आम आदमी पार्टी में ऐसा कभी नहीं चला लो मैं हरियाणा के लिए आया हूँ तो मुझे उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस दी है हरियाणा में संगठन का निर्माण करूँ हरियाणा में ऑक्सीजन केंद्र खोलूँ हरियाणा के अंदर प्रचार प्रसार करूँ ऐसी अलग अलग राज्यों के अंदर और दिल्ली के अंदर हमारे जितने भी मंत्री हैं बहुत आज़ादी के साथ मनीष सिसोदिया जी को देखिए एजुकेशन के सेक्टर के अंदर क्या खूबसूरत काम किया है आप सत्य जैन जी को देखिए मेडिकल के क्षेत्र में क्या खूबसूरत हम दिल्ली की बातों के बारे में आएंगे बाद में आएंगे और बातें पहले हम हम फोकस कर रहे हैं आपके ऊपर हम ज़्यादा चाहते हैं कि आप आप देखिए आम आदमी पार्टी के जो व्यापार संगठन है एक उसके भी आप करता धरता है और इसके अलावा राष्ट्र निर्माण अभियान एक आपने छेड़ा हुआ है वो उसके हरियाणा के हरियाणा का सही हरियाणा के सिंह उसके तो ये जो ये कार्य हैं इससे हट के ये पार्टी लाइन से भी हट कर एक तरह से हम व्यापारियों के जो है तो ये व्यापारियों के लिए आपने क्या मुद्दे उठाए हैं या दूसरे आपके संगठन की ब्रांचेज क्या सारे स्टेट्स में ऐसे बनाई हुई है पंजाब हरियाणा सब जगह बनाई हुई है ये जो सरकारें हैं अभी तक व्यापारियों को चोर की दृष्टि से देखती है जी, ये जो सत्तासीन पार्टी है इन्होंने तो बांदीकु से कहा ही था परंतु आम आदमी पार्टी हु, व्यापारियों को किसानों को नौजवानों को सत्ता का भागीदार समझती है पहली पार्टी है इस देश के अंदर जिसने इंस्पेक्टर राज खत्म किया जी व्यापारियों को चोर नहीं समझा जीएसटी का टैक्स का हमने विजिलेंस uh, डिपार्टमेंट को स्क्रैप कर दिया और हमने व्यापारियों से कहा जो आप टैक्स देते थे उससे दो रुपये फालतू देते सरकार आपकी है ये पैसे आप पे लगने हैं आप क्या करते थे आप धर्म का काम करते थे स्कूल बनाते थे हॉस्पिटल बनाते थे पानी प्याऊ बनाते थे अरविंद केजरीवाल की सरकार भी वही काम कर रही है सारे, स्कूल सारे आप, सरकारी स्कूल बढ़िया कर दिए सारे सरकारी बढ़िया कर कर दिए आपने संगठन संगठन की की बात कर मैं की बात मैं रहा संगठनों का तो यही काम था ना जी जी और ये हमारे संगठन का भी यही काम है जो पार्टी का काम है जी जी आप व्यापारी संगठन का भी यही काम है अभी व्यापारियों से दो रूपए लेके हर घर के अंदर ऑक्सीजन जांच के अंदर खोल रहे हैं है तो धर्म का ही काम और धर्म के काम के लिए ये राष्ट्र निर्माण का काम भी है राष्ट्र को हम किस तरीके से सेफ रखें राष्ट्र को सुरक्षित रखें राष्ट्र को शिक्षित करें राष्ट्र को मुस्कुराता वचिरा चेहरा दें ताकि गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया कि काम करो 24 घंटे बल्कि रस के साथ मन में उमंग के साथ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी ठीक है गुप्ता जी आप राज्यसभा के मेंबर बने हुए लगभग ढाई साल के करीब आपको शायद हो गए हैं तो आप हमें यह बताइए कि आप अपने पार्टी की बात भी खत्म करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपने वैसे बहुत कुछ बता भी दिया है हम चाहते हैं कि हम आप पर केंद्रित करें कि के आप जैसे इतना काम आपने किया है आप राज्यसभा में आपने राष्ट्र के हित के हित में या हरियाणा प्रदेश या दिल्ली के हित में कोई कै कोई मुद्दे ऐसे आपने उठाए हों है अपने तौर पर आपको बताता हूँ मैंने एजुकेशन के सेक्टर में बच्चों को बेनिफिट मिले राज्यसभा में राज्यसभा में हमेशा एजुकेशन तो के सेक्टर पे मैं जब जब सरकार की कोई गलत बात आई मैंने उसकी आवाज ऊंची की मैंने देश के हित के लिए शिक्षा के हित के लिए ऐसे अनेकों मुद्दे उठाए कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या कोई आपने कोई आपने तरफ के मेरे, मेरे कम से कम, मेरे, कोई ऐसी को मेरे के? कम से कम कम से कम कम से कम पांच सौ क्वेश्चन जी मैंने एजुकेशन के ऊपर राज्यसभा में लगे okay. जरा जितने भी बिल आए एजुकेशन से संबंधित हर बिल के ऊपर मैंने अपने विचार दिए वो राज्यसभा में रिकॉर्ड तो मैटर से मैटर और रिकॉर्ड ऐसे हेल्थ के ऊपर देश की हेल्थ का मुद्दा देखिए दिल्ली सरकार एजुकेशन पे 26% परसेंट खर्च करती है और भारत सरकार पौने 3% खर्च करती है रिपोर्ट के हिसाब से 6% भारत सरकार का खर्च होना चाहिए था नहीं करती शिक्षा नीति पैंतीस पैंतीस चालीस चालीस चाली साल के अंदर बदल रही है फिर भी उस शिक्षा नीति को पुराने लिफाफे से बाहर नहीं निकाल पाई नहीं अब शिक्षा नीति की करते बात अब हमने अभी राज्यसभा की जो आप बात कर रहे हैं हम उस पर अभी उसी पे बात करेंगे कि राज्यसभा में आपने जो मुद्दे हैं प्रश्न है आप कहते हो कि पहले पाँच सौ सवाल उठाए जितने उठाए लेकिन उसका सार्थकता तो तब है कि अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो आपकी बातों को उठाने पर क्या सरकार ने कोई आगे उसको कोई पहनाया कोई बहुत से बहुत से शिक्षा संबंधित बिलों में यूनिवर्सिटीज के बिलों में जी, मैंने जो बात कही हा, हा, मंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया उदाहरण के तौर पे उदाहरण के तौर पे मैंने पहले इनका जो आ, इस पे इन्होंने कंपलसरी कर दिया था आर्किटेक्चर कोर्स के अंदर केमेस्ट्री को और दूसरे कोर्सेज को है है। मैंने मंत्री जी को लिखा और उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया उदाहरण आ, आ, के तौर पे आ, जब आ, ये यूनिवर्सिटी का बिल आया था उसके अंदर भी मेरी कुछ बातों पर संज्ञान लिया गया ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें हैं मैं तुरंत तो बता पाऊंगा जो आप बात कर रहे हैं आजकल बड़ा माहौल देश में गर्म हुआ पड़ा है ये जो नीट का परीक्षा के है दूसरी दूसरी दो दो परीक्षाओं के बारे में इसको लेकर आपका क्या व्यू है देखिए मैं आज देश बटा पड़ा है कोई सिक्सटी एक तरफ है होसेंट एक तरफ हो रहे हैं कांग्रेस कुछ कह रही है सत्ता पक्ष कुछ कह रहे हैं इस बारे में आपकी पार्टी की आपकी जाति राय नहीं नहीं मैं दो बात बताता जी इस पे भारत सरकार को जी खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए ओके हरियाणा के अंदर मैं बात करू एमडी यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग के सारे बच्चे बिना पेपर दिए पास कर दिए सारे जी। दे दे ग्रेजुएटेड आप उसकी तारीफ कर रहे हैं तो है सुनिए मैं उसके है मैं आपको बता रहा हूँ तार, पक्ष में परंतु सिंपल बीए का पेपर पास नहीं किया जा रहे ओके एक इंजीनियर बिना पेपर दिए हो सकता है और एक सिंपल ग्रेजुएट बिना पेपर के नहीं हो सकता ये कौन सी सोच है मैं कह रहा हूं अभी तक जो बोर्ड के एग्जाम है यूनिवर्सिटी के एग्जाम है ऑथेंटिक उन एग्जाम के बेस पे वो क्वालिफाइंग एग्जाम है ये क्वालिफाइंग है जो हमें बोल रहा हूं, मैं वही बता रहा हूँ तो वो भी मैट्रिक है मैट्रिक वाले एग्जाम नहीं है ग्रेजुएशन वाले नहीं है सर मैं कह रहा हूँ उसको अगर नीट का एग्जाम देना है उससे पहले ट्वेल्थ बोर्ड का देना पड़ेगा उसको वो तो वो क्वालिफाइंग एग्जाम है और सारे हिंदुस्तान में उसकी प्रतिष्ठा मानी जाती है इस समय कोविड फैला हुआ है और कोविड के दौरान बच्चों को बीमारी के मुंह के अंदर धकीलना क्या जरूरी है मैं ये कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेंटर बनेंगे सेंटर में उस बच्चे की सुरक्षा का क्या प्रबंध सरकार कैसे इंश्योर कर सकती है इतने लाखों बच्चों का जब लाखों बच्चों को आप क्या आपकी सी बी एस ई को डिपेंडेबल नहीं मानते एक साल के लिए क्या आप उसके अंक के बेस पे मेरिट नहीं बना सकते इसमें हम संक्षिप्त सा उत्तर चाहेंगे कि आप इसके पक्ष में है एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट आंसर स्टेट आंसर यह है कि एग्जाम नहीं होने चाहिए और इस साल बच्चों को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो अपने प्रोफेसर कोर्सेज के अंदर जाए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं ठीक है गुप्ता जी आप राज्यसभा के जब मैंने बात की तो आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया इसीलिए मैंने ये परीक्षा का बीच में ले लिया हालांकि मेरा जो अभी जो दिशा मैं चाहता हूँ वो पोलिटिकली रखना चाहता था आ, आ, ये देखिए देश में धारा तीन का जो है मुद्दा कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी उठाती आई है अयोध्या मंदिर का मुद्दा भी है और तीन सौ सत्तर का भी है और ऐसे मुद्दे को लेकर वो राथों पर सवार होकर सत्ता के शिखर को भी छू चुकी है लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो स्टैंड था वो अनप्रेसिडेंट नजर आया लोगों को एक ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि लोगों ने एक धर्मनिरपेक्ष एक हस्ती के रूप में देखी लोगों ने जिसमें बड़ी संभावनाएं देखी एक देश का नेतृत्व करने वाले नेता की संभावना देखी और हमारा देश जो है जिसमें हर वर्ग हर रंग हर भेद के लोग हैं इस तरह की स्थिति में अरविंद केजरीवाल का एकदम झुकाव हो, हो जाना कि 370 जो है वो सही है उसके पक्ष में उनका फैसला ये पार्टी का है या ये, ये उसका पर्सनल है देश देश धर्म से ऊपर है जी देश जाति से ऊपर है जी 370 देश का मामला है हां जहां देश का तो? मामला आएगा हाँ? अगर पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर का हिस्सा ऑक्यूपाइड कर रखा है आ? उस पर कब्जा वापस लेने के लिए बात करेंगे आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बॉर्डर पे पहुंचे वो है। तो अलग मुद्दा है जो उनका ये भी ये है। वो तो उनका ऑक्युपाइड है, तो है।, तो है जम्मू कश्मीर के अंदर धारा तीन सत्तर के तहत लोगों को जो विशेष अधिकार उनको मिले हुए थे उस हिसाब से क्या आपने उनकी जो समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी का के इसका विरोध किया है तो वो कहाँ तक ठीक है और इसके साथ ही मेरा प्रश्न जुड़ा हुआ है आज एक साल पूरा हो चुका है धारा तीन सौ सत्तर को खत्म हुए क्या आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थिति ठीक हो गई है वहाँ पे साल साल भर से जो है जो पुरानी मुख्यमंत्री थी वो अभी तक जो है कारावास में अभी तक बंद है नजरबंद है वो तो ऐसे हालात में क्या आप समझते हैं कि वहां लोकतंत्र की बहाली होगी खत्म करने के बाद देखिए जब हटाने की बात आई जी जी संसद में तत्कालीन गृह गृह मंत्री मंत्री वर्तमान हाँ इन्होंने किया था कि मैं कुछ समय के लिए इसको यूटी बना रहा हूँ हाँ? स्थिति नॉर्मल होने के बाद हम इसको राज्य बनाएंगे उन्होंने वायदा किया था कि पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे जाएंगे व्यापार करेंगे वहां पे शिक्षा अच्छी होगी वहां पे साधन इंडस्ट्रीज लगेंगी हम उसको मुख्य धारा के अंदर सम्मिलित करेंगे उन्होंने वायदा किया था कि इससे पाकिस्तान का टेररिज्म और देश के गृहमंत्री ने जब वायदा किया था और बचपन से हम भी ये मानते आए थे एक देश के अंदर अलग कानून क्यों एक देश में एक ही कानून होना चाहिए और मैंने खुद जाके संसद में बयान दिया था कि हम इस मुद्दे पे हम बिल्कुल भी इसको धर्म से नहीं जोड़ते देश का मुद्दा था और जहाँ देश का सवाल आएगा हाँ। कोई सरकार हो कोई पार्टी हो हम हाँ। देश के साथ आपने सिर्फ इसलिए नहीं समर्थन किया आपने इसलिए समर्थन किया कि गृह मंत्री ने आपसे ये वायदे किए थे कि वहाँ पे हम लोगों को उधर जाके बचाएंगे और उसको यूटी कुछ देर के लिए रखेंगे तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे अब टैरिज़म नहीं क्या आप समझते हैं कि 370 के बाद पुलवामा नहीं हुआ क्या आप समझते हैं कि वहाँ पर लोगों को इतनी आजादी मिल चुकी है कि वो लोगों की, की थी इसका मतलब ये नहीं है कि धारा तीन सौ सत्तर लगनी चाहिए दोबारा इसका मतलब ये नहीं है सरकार आती रहती है जाती रहती है पार्टियों के आज आते रहते जाते रहते हैं देश वही है देश हजारों साल से वहां है और देश के नागरिकों की जब बात आएगी तो सैद्धांतिक तौर पर जो बात ठीक होनी चाहिए और कोई सदन के अंदर खड़ा होकर सैद्धांतिक तौर पर बात ठीक कहेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे पार्टी को ही हो जी जी गुप्ता जी आप तो मैं, मैंने आपको टोक दिया था आप अपनी पार्टी के बारे में बात करना चाह रहे थे आपने हरियाणा में जो एक बहुत हरियाणा में नहीं मेरा ख्याल है पूरे देश भर में शायद जो आपने ये जो ऑक्सीजन केंद्र बनाने का एक मुहिम चलाई है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं संक्षिप्त में देखिए कोरोना एक विदेशी बीमारी है जी दिल्ली देश की राजधानी है दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है सारी दुनिया से बच्चे और बुजुर्ग और नौजवान साथी जी जब कोरोना का डर फैला सारी दुनिया में लोग अपने घरों में वापस आने लगे दिल्ली में उतरे और दिल्ली ने उन सबको ठीक किया कोरोना मुक्त किया और उनके घरे राज्य भेजा Okay. उस समय दिल्ली के अंदर स्थिति थोड़ी सी खराब हुई दिल्ली सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने इतने इनोवेटिव तरीके से होम आइसोलेशन का आइडिया दिया पहले देश के लोगों ने विरोध किया फिर सारे देश नहीं, दुनिया ने माना जब अमेरिका इटली बॉम्बे जैसे शहरों के अंदर हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे लोग परेशान थे लाशों के साथ में मरीज थे उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि बुखार जुकाम खांसी ये बड़ी बीमारी नहीं है तकलीफ है ऑक्सीजन अगर कम होगी तो मृत्यु का खतरा होता है अन्यथा आप घर पे रहे कोई दिक्कत नहीं है और घर के अंदर ऑक्सीजन जांच का मीटर भिजवाया मुफ्त कोरोना पेशेंट्स को देखने के लिए प्लाज्मा थेरेपी ब्लड प्लाज्मा थेरेपी का फार्मूला दिया पहला दुनिया के अंदर प्लाज्मा बैंक बनाया आज अमरीका उस कदम पे चला

ये जो भय के माहौल से लोगों को निकाले और अपने हर गांव के अंदर ऑक्सीमीटर का प्रबंध करें ताकि लोग भयमुक्त जीवन जी सके दिल्ली मॉडल को देखकर उनको ये कर लेना चाहिए जब नहीं की तो आम आदमी पार्टी के संयोजक राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि सरकारें नहीं करती कोई बात नहीं इनको लोगों की चिंता है कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं ये लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ना चाहते हैं मगर हम नहीं छोड़ने देंगे हम लोगों की मदद के लिए जाएंगे तो उन्होंने तय किया कि हम हिंदुस्तान के हर गांव में हरियाणा के हर गांव में हाँ। शहर के हर वार्ड के अंदर ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलेंगे हमारे कार्यकर्ता टोपी पहन के लोगों के घर घर में जाएंगे जी, जी। उनकी ऑक्सीजन जांच करेंगे उनके ऊपर कोरोना की जानकारी देंगे ताकि वो भयमुक्त हो अर्थव्यवस्था भी अच्छी चले और इस विषय के अंदर हरियाणा के अंदर हम चौदह हजार से ऊपर ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलने वाले हैं और 2000 के ऊपर हम आप तक खोल चुके हैं और आने वाले एक महीने के अंदर पूरे हरियाणा के हर गांव में हम खोल देंगे आप सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं पूरे देश में भी खोल रहे हरियाणा की जिम्मेदारी मेरी है अच्छा। और पूरे देश की जिम्मेदारी पार्टी की है पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी हरियाणा के लिए मैं हरियाणा की बात इसलिए थोड़ी सी ज्यादा कर रहा हूँ लेकिन आपको पूरे राश... देश के अंदर खोली लेकिन आपको आम आदमी पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता के रूप में भी मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ जी मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में खोले जाएंगे जी परन्तु हरियाणा का मैं आपको डेफिनेट फिगर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस काम को देख रहा हूँ तो जो मैंने आपसे ये ठीक है आपने जो हरियाणा के बात की है जो ऑक्सीजन केंद्रों की ये बहुत अच्छा प्रयास है सराहना योग लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा के अरविंद केजरीवाल इन इट्सल्फ एक जो जो कहते हैं एक खुदरा हुआ संशोधित संस्करण अरविंद केजरीवाल का कैसे पहले एक अरविंद केजरीवाल वो था जो पिछले जो उपराज्यपाल होते थे जो उनके साथ ना केवल क्लैश यहाँ तक नौबत आई कि उनके जाके धरना उनके घर धर के आगे धरने देने वाले अरविंद केजरीवाल थे यानी कि कोई समझौतावादी नहीं हर बात में ओवर रिएक्ट करने की एक टेंडेंसी ऐसी थी जो उनके व्यक्तित्व को जो पता लग रहा था कि वो सही ढंग से लेकिन बाद में जो तीन सौ सत्तर ही नहीं तबलीगी शाहीन बाग आप बिल्कुल ही मुंह मोड़ गए आज वो तबलीगियों के पक्ष में सारे देश में तमिलनाडु तक उनके पक्ष में जो कोर्ट फैसला दे रही है कि उन्होंने को, कोई कोरोना नहीं फैलाया और कोई उनकी ऐसी मंशा नहीं थी वो लोग आज वो निर्दोष साबित हो रहे हैं उस वक्त केजरीवाल ने ना उनकी कोई सपोर्ट की ना शाहीन बाग में गए ना कोई बाद में दिल्ली को आग लगती रही तब भी उन्होंने वो रुख नहीं अपनाया ऐसा लगने लगा लोगों में कि जैसे बीजेपी की बी टीम बन के रह गई आम आदमी पार्टी देखिए जब जब कोई अनैतिक काम होगा जी जब जब देश के विरुद्ध काम होगा अरविंद केजरीवाल आवाज उठाते हैं अभी हमने होम आइसोलेशन का मॉडल दिया एल जी LG ने बंद किया हमने आवाज उठाई सोशल मीडिया पे उठाई, प्रधानमंत्री को लिखा गृह मंत्री को लिखा, मंत्री को लिखा और आखिर में एल को मजबूर होके हमारी बात माननी पड़ी जी। हमने मार्केट ओपन करने की बात की अर्थव्यवस्था टूट रही थी ये उन्होंने नहीं मानी आखिरी में जनता के दबाव में उनको बात माननी पड़ी अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी आज की बात कर रहे हैं हाँ। जो हिंदू मुस्लिम का नारा लेके चल रहे थे हाँ। आज शाहीनबाग के लोग बीजेपी ज्वाइन उस समय भी अरविंद केजरीवाल कहते थे के शाहीन बाग बीजेपी का प्रायोजित ये है देश का गृह मंत्री बोलता था कि ऐसे जोर से नारा बोलो शाहीन बाग तक आवाज जाए आज वो शाहीन बाग के मुख्य कार्यकर्ता बीजेपी के पदाधिकारी बन गए नहीं तो दूसरा पक्ष भी है कि वो डर के चले गए क्योंकि उनको पहले कोई उनका मददगार आया ही नहीं अरविंद केजरीवाल साइड लाइन मददगार तो वो उनके झोली में पड़ गए जाके उनके मददगार देश के गृह मंत्री थे उनके मददगार देश के मुख्यमंत्री थे तो आप अगर सुनिए मैं कह रहा हूँ पुलिस उनके पास थी सुनिए हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट प्रायोजित जो लाठिया पड़ी उनपे जो कहा लाठिया पड़ी इतने दिन वो बैठे रहे लगातार निर्विरोध ये देश की सरकार एक मिनट में यूनिवर्सिटी के छात्रों को लाठी मार मार के गेट के अंदर घुसा के उनकी ऐसी हालात कर दी कि लोग याद रखे बाग में इतने दिन तक धरना चला कोई लीडर नहीं, नहीं था आयोजित था देश के गृह मंत्री का वो दिल्ली के चुनाव को हिंदू मुसलमान पे बांटना चाहता था उनके ट्रैप में अरविंद केजरीवाल कभी फंसने तो वाला नहीं है गुप्ता जी इसका मतलब हुआ कि दिल्ली के जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी या दूसरी नेहरू यूनिवर्सिटी थी उसमें भी जो लाठीचार्ज हुए उसमें भी आपने कन्ने क्या वो भी प्राय नहीं, नहीं नहीं सुनिए हमारे सांसद रात को वहां पे गए हमने उनके पक्ष के अंदर बात बोली कि आप छात्रों के ऊपर जुलम ना करें हमने शाहिन बाग के लिए हमेशा ये बात कही कि ये बीजेपी का प्रायोजित धरना है हम हम हमने जो नागरिकता संशोधन बिल था उसके खिलाफ वोट दी थी हमने स्पष्ट कहा था कि इस मुद्दे पर हम उन लोगों के साथ हैं ऐसे धर्म के बीच पर राजनीतिक बेसिस को दिमाग में रखते हुए नागरिकता नहीं देनी चाहिए नहीं। उसके अंदर हमेशा हमारा किलियर स्टैंड था आपने धर्म की बात कर दी मेरे एकदम ध्यान में आ गया कि जर्नैल सिंह आपके एक बड़े जर्नैल थे दिल्ली में वो कौन से बाग से शायद जीते भी थे एक बार पहले बाद में पंजाब से इलेक्शन लड़ना था तो वहाँ से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने उन्होंने बड़ा धर्म के नाम पे बड़े देवी देवताओं को उन्हें बड़ा बुरा भला कहा पिछले दिनों में और उनको

जितने भी इनके लीडर हैं हिंदू मुस्लिम करते रहे सड़क के ऊपर गोली मारने तक की बात करते रहे देश के गद्दारों को गोली मारे सालों के नारे लगाते रहे दिल्ली को जलवाते रहे रहे तक किसी एक्शन लिया जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी क्वेश्चन आप हमारे से पूछ हो अरे देश के गृह मंत्री जी से पूछ के आओ आपको पूछने में आनंद आएगा की ऐसा खेल क्यों खेलते हो ऐसे गुप्ता जी बस लास्ट में हम इसको समाप्त करते हैं जी एक संदेश दीजिए हमारे दैनिक अर्थ प्रकाश मीडिया ग्रुप जो है इसकी ओर से एक पंजाब की और हरियाणा की जनता को आम आदमी पार्टी का आपकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं ऐसा क्या संदेश आपको देना चाहेंगे देखिए तो? मैं पंजाब के नागरिकों को हरियाणा के नागरिकों को और देश के नागरिकों को ये निवेदन करना चाहता हूँ झूठ की बात में फंसे भाई भाई को बटने की बात पे ना फंसे ये जो जात के नाम पे धर्म के नाम पे वोट देते हैं इनके से बच के रहो विकास के नाम पे वोट दो ये देखो किसने विकास किया है कौन विकास कर सकता है कौन अच्छे स्कूल बना सकता है कौन अच्छे हॉस्पिटल बना सकता है कौन अच्छे कॉलेज बना सकता है कौन बच्चों को, को रोज़गार दे सकता है कौन अच्छे आपके व्यापार को बढ़िया चला सकता है कौन महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त कर सकता है कौन बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मुफ्त कर सकता है कौन 200 यूनिट बिजली और हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली मुफ्त दे सकता है कौन आपके घर में बीस लीटर पानी मुफ्त दे सकता है कौन किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर सकता है अगर कर सकता है तो उसको वोट दें ये जाति और धर्म के नाम पे वोट ना दें बहुत अच्छा लगा सुशील जी आप यहाँ आए थे और... तो ये थे सुशील गुप्ता एक ऐसी शख्सियत जो बेबाक राय उन्होंने यहाँ पे रखी है और देश में संभावनाएं और लोगों की अपेक्षाएं भी ऐसी हैं कि के अरविंद केजरीवाल जैसा कि के इन्होंने बताया है कि ऐसा शख्सियत जो है उसकी लोगों की लोगों को उसकी ज़रूरत है तो आने वाले वक्त में देखते हैं के इनकी राजनीति और इनकी पार्टी क्या रुख बनाती है कहाँ तक कदम बढ़ाती है इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें